बारात में पहुंच चुके हैं। इधर 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 सर भी आप करेक्ट हो जाइए। हाँ देखो आधे छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं अभी नाइट करके आया हूँ। करीब 6:15 बजे आया गया था। उसके बाद स्नान वगैरह करके रेडी हो चुके हैं तो बैडमिंटन खेलने जाते हैं। जब से क्रिकेट अपना शुरू हुआ था तो उसके एक दो दिन पहले से अपना बैडमिंटन बंद हो गया था। क्रिकेट की प्रैक्टिस चल रही थी। 15 से 16 दिन हो चुके हैं तो चलते हैं खेल के आते हैं सुबह सुबह। और अगर आपने वो क्रिकेट वाला ब्लॉग नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे। अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए। तो जाने से पहले सुबह सुबह का माहौल है, काफ़ी ठंड है तो चाय वगैरह भी पी लेते हैं। सो रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं कोर्ट पे, पहुंचते हैं, मिलते हैं वहाँ पे। आ चुके हैं बाहर और जाने से पहले डस्टबिन में कूड़ा डाल देते हैं लास्ट नाइट का। और अच्छा खासा सनराइज़ हो चुका है, होपफुली आपको पीछे दिख रहा होगा। और ये जो अभी वैन की आवाज़ आई, स्कूल वैन है तो सभी का सुबह सुबह स्कूल भी होता है। काफ़ी आज जल्दी सूर्य देवता के दर्शन हो गए। सुबह 7:20 हो चुके हैं। अच्छा है तो करीब 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि बीच में अपना क्रिकेट मैच चला था टेनिस वाला, होप आपने वो ब्लॉग देखा होगा। तो 1 हफ्ते की गैप के बाद आ चुके हैं बैडमिंटन खेलने के लिए और चलते हैं यहाँ से शुरू करते हैं। पहुँच चुके हैं सुबह सुबह। सो गाइस फाइनली आज का अच्छा मैच हो गया। सुबह सुबह अच्छा एक्सरसाइज हो गया, वार्म अप हो गया। फाइनली गाइस रूम के अंदर आ चुके हैं। 9:30 हो गया है। अब चलते हैं रेस्ट वगैरह करते हैं और देखते हैं हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करते हैं। सो गाइस अभी बज चुके हैं 3:50। तो मैं सुबह बैडमिंटन खेल के आने के बाद थोड़ा रूम में आया तो उसके बाद तो अपना लंच वगैरह बना लिया था। तो लंच लेकिन मैं किया नहीं, तो फिलहाल अभी चलते हैं लंच कर लेते हैं। तो लंच में मैंने ये चपाती और साग है मेथी का, आलू मेथी बना लिया था। और चूंकि नाइट है तो आने के बाद मैं थोड़ा खाना बनाने के बाद हल्का सा टायर्ड फील कर रहा था तो सो गया था बस वही। अब चलते हैं लंच वगैरह करते हैं। गाइज अभी रात के बज रहे हैं 8:50 और आज मेरे दोस्त की सिस्टर की वेडिंग है तो यहीं पास में ही है और बारात भी तो फिलहाल वहीं पे जा रहे हैं और सारे कलीग्स जो भी हैं साथ में आ रहे हैं वहीं पे। तो चलते हैं थोड़ा अटेंड करते हैं, वेडिंग है तो मैं थोड़ा देर रहूँगा उसके बाद वापस आ जाऊँगा। बारात तो और शादी तो मतलब रात भर चलता है जैसा कि अपना रिचुअल में है। तो मैं थोड़ा देर जाता हूँ, अटेंड करके आते हैं, ले चलते हैं आपको भी, बने रहिए लास्ट तक देखिएगा। सो फिलहाल अकेले ही जा रहे हैं, बाकी सब लोग वहीं पे मिलेंगे। ये एंट्री है, काफ़ी अच्छा सजाया यार, गज्जब। बारात में पहुंच चुके हैं, स्नैक्स वगैरह ट्राई कर रहे हैं। इधर 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 सर भी आप करेक्ट हो जाइए। हाँ देखो आधे छोड़ना नहीं चाहिए। सो फाइनली आ चुके हैं रूम के अंदर और अच्छा खासा हो गया, वेटिंग सेरेमनी तो हो ही रहा था अभी, बट चले आए वापस रूम के अंदर। बाकी आपसे मिलते हैं कल।